जी हाँ, बजरंगी भाईजान की पार्टी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं तान्या खन्ना। आजकल सलमान खान पार्टी मोड में चल रहे हैं। कभी माइक थाम देते हैं, सुर छेड़ देते हैं, तो कभी दोस्तों के साथ रात में पार्टी करते नजर आते हैं। वैसे चर्चा सलमान की शादी की भी हो रही है और वो भी आपको बताएंगे कि उस पर सलमान ने क्या कहा। लेकिन पहले सलमान का आठवां सुर देखिए, जिसकी तलाश में सलमान पहुंचे थे बच्चों के बीच। इंडियन आइडल के मंच पर फिंगर बन गए सलमान। कभी गाया ट्वीट तो कभी जोड़ी में छेड़ दिए सुर। अपनी रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा के शो इंडियन आइडल जूनियर के मंच पर पधारे बजरंगी भाईजान। He-Man, Batman, Superman, सबका पावर मिला के 100 से मल्टीप्लाई करो तब जाके बनता है Superman। बॉयज का भाई और गर्ल्स की जान सलमान खान। ये अच्छा क्लियर कर दिया इसने। बॉयज का भाई और गर्ल्स की जान सलमान खान। जहां अदनान संगी अपने फिल्म के कव्वाली का प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन यहां तो सेल्फी के सुर शुरू हो गए। सोनाक्षी तो इस सॉन्ग को लेकर इतना सीरियस हो गई कि सेल्फी ही लेने में जुट गई। कराया जो मिले छप्पी ले ले, मस्ती की टंकी में तनिक दुखी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। वैसे सीरियस तो हमारे बजरंगी भाईजान एक छोटे से सिंगर का गाना सुनकर भी हो गए। पहले तो सलमान ने जमकर की खिंचाई और जैसे ही मौका मिला तो इन्होंने तो सुर भी छेड़ दिए। यू आर टू गुड। 9 साल की उम्र में इतने सारे लोगों के सामने गाना कोई आसान बात है, वो भी सुर में, वो टेम्पो में, और फिर इतने मुश्किल मुश्किल लिरिक्स याद करना, वो कैसे पॉसिबल है 9 साल की उम्र में? फ्रीक हो? हाँ, म्यूटेंट हो? म्यूटेंट डालेंगे तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना कातिल मार ही डालेंगे। इतना ही नहीं, जैसे ही इंडियन आइडल में जुम्मे की रात गूंजा, सलमान न तो अपनी कुर्सी पर बैठ पाए और न ही अपने कदमों को रोक। अरे जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तीर मार के। अरे जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तीर मार के। Thank you.
और एक के बाद एक जैसे ही जूनियर आते गए वैसे वैसे सलमान की मस्ती का पैरामीटर बढ़ता ही चला गया। ओ लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी। ओ लगन 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 लग गई। एंटरटेनमेंट डेस्क इंडिया न्यूज़। मेरी लगन लगी। एक टेक में गा दिया, मतलब के सोच रहा हूँ एक दिन में 15-20 गाने निकाल लोगे तुम लोग। बजरंगी भाईजान की पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। बजरंगी भाईजान बनकर इतना खुश हैं सलमान कि अब उन्होंने मीडिया कर्मियों का कोई भी सवाल उन्हें बुरा नहीं लगता। जिन सवालों पर कभी भड़क जाते थे सलमान, आजकल उन पर लंबे चौड़े जवाब देते हैं। सुनिए। सलमान खान ने कर दिया है ऐलान, कुकी भाईज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। अरेंज नहीं लव मैरिज करेंगे बजरंगी भाईजान। सलमान हाल ही में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो। कुकी भाईज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। कुकी भाईज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। सेलिब्रेशन नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, ये सबसे मौका कोई भी हो। दस्तूर के मुताबिक सलमान की शादी पर चर्चा तो होगी ही ना, और आज तो सलमान पार्टी के मूड में थे तो इन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि वो तो हर हाल में लव मैरिज ही करेंगे। सलमान हाल ही में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो, तो लड़की की कौन कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हो अगर अरेंज मैरिज के लिए? वो सब क्वालिटीज जो आप में हो नहीं होनी चाहिए। भारिश कैंसिल, लव इज बैक ऑन। कुकी भारिश कैंसिल, लव इज बैक ऑन। लेकिन आज सलमान का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था, तभी तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना पर किए गए सवाल पर भी सल्लू मियां नाराज नहीं हुए। सलमान खान फिल्म्स की एक फिल्म बजरंगी भाईजान तो रिलीज हो रही है, आपने हाल ही में हीरो का पोस्टर भी आउट किया था, 4 सितंबर को फिल्म आ रही है, उसके साथ ही कटरीना की फिल्म फैंटम भी आ रही है और फिल्म के पोस्टर अपनी ही फिल्म है सर। अपनी पर्सनल लाइफ पर तो आज दिल खोलकर सलमान बात कर ही रहे थे, लेकिन इस सॉन्ग लॉन्च में मौजूद एक शख्स से सलमान खासे नाराज थे, तो चलिए इनकी नाराजगी की वजह इन्हीं से जान लेते हैं। दिक्का पाजी ने मेरा गाना चुराया है तो ये शोर शॉट हिट है सर, मैंने बहुत कोशिश की इस बार फिर से बहुत कोशिश की कि ये गाना मैं गा लूं। आपके प्रॉब्लम ही अगेन बीट मी टू इट। इतना ही नहीं, सलमान ने तो भरी महफिल में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम पर भी इल्जाम लगा दिया कि वो सलमान को गाना ही नहीं गाने देना चाहते। अरे दिस इज द सॉन्ग यू सिंगिंग, दिस इज द सॉन्ग एंड द सेल्फी सॉन्ग ऑल्सो यू बी सिंगिंग दैट, तो व्हेन विल दैट बी आउट सर? अरे दे नॉट लेटिंग मी सिंग इट। आई डोंट नो, आई वाज रेडी टू गो टू करजत ऑल्सो। वैसे जिस गाने के सलमान इतने गिले शिकवे कर रहे हैं वो तो इस फिल्म में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। एक ये वर्जन है गाने का और एक दूसरा वर्जन भी शूट किया फिल्म के हिसाब से, अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि जो फिल्म का की जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है, जब आप देख लेंगे फिल्म को उसके बाद जब फिल्म इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी उसके बाद एक नॉवल्टी के हिसाब से वो जो दूसरा जो गाना पिक्चराइज किया है वो हम देखेंगे सोचेंगे ऑन पब्लिक डिमांड के डालें कि नहीं। सही कहा सलमान आपने, अब इतने हिट सॉन्ग को आप कैसे अपने हाथों से जाने दे सकते थे। और अब बात आईफा की कर लेते हैं, क्योंकि आईफा 2015 के टेलीकास्ट में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस बार का आईफा इतना खास होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आपको दिखाते हैं सितारे मलेशिया में क्या क्या करके आए हैं। मैं तेरा दा दा, तू मेरी दी होने लगी।
girls like to swing. Zara aage nikal ke naye rangon mein dhal ke andaaz badal ke masti mein hai jeena jeevan rakh peena ye baat hui na करण जौहर. इस मूवी का नाम है दिलवाले ऑफ द ईयर. ओएमजी बाबूजी लेट मी गो. यू रियली वांट टू गो? आई रियली वांट टू गो. यू रियली वांट टू गो? आई रियली वांट टू गो. आई मीन आई डोंट इवन थिंक दिस गाय कैन लाइक अफोर्ड प्राडा, यू नो व्हाट आई मीन. ओह नो. यू रियली वांट टू गो? या ओके. शुड आई गो? जस्ट फेस टाइम मी. ओके आई फेस टाइम मी बाबूजी. आई लव यू. तो आईफा में कितनी मस्ती हुई वो आपने देख लिया. इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक. सलमान को शाहिद ने अपनी शादी में नहीं बुलाया है. दीपिका रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को लेकर कंफ्यूजन में है. और हमने तो ये भी सुना है कि नरगिस मोहम्मद अजरुद्दीन की पत्नी बनने वाली है. सुना है सलमान खान को शाहिद कपूर की शादी में इनवाइट नहीं किया गया है. हमने तो ये भी सुना है कि सलमान को अभी तक शाहिद की शादी का इनविटेशन नहीं मिला है. शाहिद कपूर की शादी 7 जुलाई को दिल्ली की मीरा राजपूत से होगी और गेस्ट लिस्ट से सलमान का नाम नदारद है. सुनने में तो ये भी आया कि बॉलीवुड के फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन मुंबई में रखा गया है. सुना है दीपिका रणवीर कपूर और रणवीर सिंह को लेकर काफी कंफ्यूज हैं. हमने तो ये भी सुना है कि दीपिका आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि उनका पैर किसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है. अब दीपिका की रणवीर कपूर के साथ तमाशा और रणवीर सिंह के साथ बाजीराव मस्तानी एक साथ रिलीज होने वाली है. लगता है इसी वजह से दीपिका की ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है. सुना है नरगिस फाखरी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन की पत्नी बनेंगी. रॉकस्टार फेम नरगिस फाखरी आने वाली फिल्म अजहर में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन की पत्नी संगीता बिजलानी के रोल को निभाती हुई नजर आएंगी. फिल्म में इमरान हाशमी अजरुद्दीन के रोल में हैं. सुनने में ये भी आया कि फिल्म की शूटिंग नरगिस अगले महीने से शुरू कर देंगी. सुना है सलमान खान का हीरो 4 सितंबर को आ रहा है. सलमान खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म हीरो का पोस्टर रिलीज हो गया है और अब फिल्म की रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है. फिल्म 4 सितंबर 2015 को रिलीज होने जा रही है. इस बात की जानकारी सलमान ने खुद ट्विटर पर दी. सुनने में तो ये भी आया कि सलमान खान की नई फिल्म हीरो 1983 में रिलीज हुई जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो की रीमेक है.